बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्लामियत दूसरी जमात के लिए अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, पेज नंबर 78 पर आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? क्वेश्चन क्या है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? देखिए बेटा, ऊपर इसी पेज पर ऊपर दिया हुआ है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। हमारे नबी, पढ़े बेटा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु, कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु, इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु, कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु, इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 4th वाला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु, कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु, इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु। आगे देखें बेटा, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम लिखें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम लिखें। देखिए बेटा, इसी पेज पे जहाँ बेटे लिखा हुआ है उसके नीचे उनकी बेटियों के बारे में भी बताया गया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ थीं, इनके नाम लिखे हुए हैं, ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा, रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा, रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। ठीक है बेटा, ये 4 बेटियों के नाम आपने इधर लिखने हैं और याद भी करने हैं। इसके साथ ही देखें वहाँ जमा लिखे हुए हैं, मदरजा अल्फाज की जमा लिखें। माँ माएँ, बीवी का क्या आएगा? बीवियाँ। बीवी का क्या आएगा बच्चों? बीवियाँ। इस तरह हम बीवियाँ लिखेंगे। आगे देखें बेटा, बेटे, बेटा बेटे, बेटा बेटे, बेटी बेटियां, बेटी बेटियां,